हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। आज के वीडियो में हम सिंगम ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में रोहित शेट्टी अपने फिल्मों में कुछ नया करते ही रहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि सूर्यवंशी में अक्षय कुमार के अलावा सिम्बा और सिंगम को जोड़कर फिल्म को एक अलग ही दिशा दे दी है। सिंगम ट्री होगी अजय देवगन की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म। रोहित शेट्टी और अजय देवगन बनाने जा रहे हैं सिंगम ट्री। रोहित शेट्टी ने बताया है कि अब वह सिंगम के अगले चैप्टर पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सर्कस की रिलीज के बाद हम अगले साल अप्रैल में फिल्म शुरू करेंगे, लेकिन आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ खबरें के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में अजय देवगन के मिशन में सहारा देने आएंगे दबंग के रूप में सलमान खान। निर्देशक ने कहा है कि हम सिंगम ट्री पर काम करना शुरू कर दिया है। मुझे सिंगम फ्रेंचाइज पर काम किए काफ़ी समय हो गए हैं। हम अगले साल अप्रैल में इसकी शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। अजय सर अपने काम में व्यस्त है और मैं भी फिल्म सर्कस में व्यस्त हूँ, इसलिए हम अगले साल अप्रैल तक सिंगम ट्री पर काम शुरू कर पाएंगे। खबरों के मुताबिक सलमान खान सिंगम ट्री में कैमियो रोल कर सकते हैं और वे फिल्म में अजय देवगन के मिशन में हम हिस्सा लेते हुए उनकी मदद करते हुए नजर आएंगे। सिंगम ट्री में अक्षय कुमार की भी एंट्री हो सकती है। हालांकि यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि फिल्म में अक्षय की एंट्री किस मोड़ पर होती है। रोहित शेट्टी ने कहा कि सब कुछ बस ओवरलैप पर हो गया है। हम जल्द ही सर्कस रिलीज करेंगे और मैं यहां खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग कर रहा हूं। सिंगम ट्री बड़े ही लेवल पर हो रही है और हमारी ताकतें अभी इस पर काम कर रही है। मुझे लग रहा है कि इसमें कर एक साल का समय लगेगा, उसके बाद ही हम दूसरी फिल्म के बारे में सोचेंगे। रोहित शेट्टी की इन बातों से तो यह साफ है कि इस बार सिंगम ट्री बड़े लेवल पर बनने वाली है।